हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी माउथ मेल्टिंग चोको लावा केक, वो भी गेहूं की आटे के साथ और एगलेस। तो ऐसे यम्मी टेस्टी हेल्दी माउथ मेल्टिंग चोको लावा केक के लिए मैंने लिया है गेहूं का आटा, ये 1 कप है। उसके अलावा पीसी हुई शक्कर 1/2 कप है, 1/4 कप तेल है, और जिस कप से मैंने गेहूं का आटा लिया उसी से मैं दूध लूँगी 1 कप। यह है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, कोको पाउडर 3 टेबलस्पून लूँगी। यह है वनीला एसेंस है, नमक 1 पिंच लूँगी, और यह है डार्क चॉकलेट। यहाँ पर मैं डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहो तो डेरी मिल्क या कोई भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको पसंद है। यहाँ पर मैं इन कटोरियों का इस्तेमाल कर रही हूँ केक बनाने के लिए। आप ऐसे कटोरिया भी इस्तेमाल कर सकते हो या मार्केट में जो मोल्ड मिलते हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं आपको गैस के ऊपर बनाना भी दिखाऊंगी और अवन में बनाना भी। तो मैंने गैस के ऊपर बनाने के लिए एक कढ़ाई में थोड़ा सा रेड डाला है और उसे गर्म होने के लिए रख दे रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर नमक भी डाल सकते हो या कढ़ाई को ऐसे भी गर्म होने रख सकते हो। अभी मैंने लिया एक बाउल, उसके ऊपर मैंने रखा है छन्नी। अब उसमें मैं डाल रही हूँ गेहूँ का आटा, उसके बाद यह है बेकिंग पाउडर और यह है बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून है और बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून है। उसके अलावा 2 या 1.5 पिंच जितना मैं नमक डाल रही हूँ। डाल के अब मैं इसको अच्छे से छान रही हूँ। यहाँ पे मैंने गेहूँ के आटे का इस्तेमाल किया, जनरली ये मैदे से बनता है और अंडे का बनता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कोको पाउडर, ये 3 टेबलस्पून है। डाल के अब मैं एक बार इसे और छान रही हूँ। इसको हमें 2-3 बार छानना है, ऐसे छानने से केक ज़्यादा अच्छे से बनता है। मैंने इसे छान लिया, अब मैं एक बार इसे और छानूंगी। यहाँ पे मैंने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है, जनरली ये मैदे से बनता है और अंडे का बनता है, तो मैं बिना अंडे का भी बना रही हूँ बिना मैदे का, गेहूँ के आटे से। और मैंने वही गेहूँ का आटा इस्तेमाल किया जो जनरली हम लोग घर में यूज़ करते हैं। अभी मैंने इसे छान लिया है, अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में। अब मैंने लिया है बाउल, उसमें मैंने डाला है 1/2 कप पीसी हुई शक्कर, ये है 1/4 कप ऑयल, ये नॉर्मल ऑयल है। आप सिंपल रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करना जिसमें खुशबू हो, वो तेल का इस्तेमाल नहीं करना। आप चाहो तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स किया है। अब जिस कप से मैंने गेहूं का आटा लिया था उसी से मैंने बराबर 1 कप दूध लिया है। आप दूध की जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे मैं हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो विस्कर से ही आप 4-5 मिनट तक अगर फेंटोगे या तब तक जब तक कि शक्कर नहीं पिघलता है तब तक हमें फेंटना है। यहाँ पे मैंने हैंड ब्लेंडर से मीडियम स्पीड पे 2 मिनट तक फेंटा है शक्कर पिघलते तक। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हमारे सूखे इंग्रेडिएंट्स जिसको हमने छान लिया था, और विस्कर से अच्छे से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और जो दूध था उसको थोड़ा थोड़ा डाल के हमें एकदम अच्छे से इसको फेंटना है। इसका एक स्मूथ बैटर बनना चाहिए जैसे नॉर्मल हम लोग केक के लिए बनाते हैं। वैसे 1 कप आटे के लिए 1 कप दूध सफिशियंट होता है, बट हो सकता है कभी कभी 1-2 स्पून दूध बच जाए या 1-2 स्पून दूध एक्स्ट्रा भी लग सकता है। बट यहाँ पे मैंने कंप्लीट 1 कप गेहूं के आटे के लिए 1 कप दूध का इस्तेमाल किया है। अगर आपका गेहूं का आटा थोड़ा सा मोटा है तो हो सकता है 2 स्पून दूध ज़्यादा लगे, और गेहूं का आटा बहुत पतला है तो 2-3 स्पून दूध बच भी सकता है। बस हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए। अब मैंने उसको रखा है साइड में। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ चॉकलेट। चॉकलेट लेके मैं इनको तोड़ के इसके छोटे छोटे पीसेस काट रही हूँ। यहाँ पे आप चाहो तो चॉकलेट को डबल बॉयलर की मदद से मेल्ट करके भी डाल सकते हो, बट वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। पर ये तरीका बहुत ज़्यादा आसान है जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी मैंने सारे कटोरिया मोल्ड्स लिए हैं। अब मैं इनको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ। मेरा माइक्रोवेव ओवन भी प्रीहीट हो चुका है, और जो मैंने रेत गर्म होने रख दिया है वो भी ऑलमोस्ट अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी सबको मैंने ग्रीस कर लिया है। बैटर को मैं अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे मैं वेनिला एसेंस अराउंड 1/4 टीस्पून या 10 से 12 ड्रॉप्स में डाल रही हूँ। आप चाहो तो चॉकलेट एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब सारे कटोरियों में मैं ये लावा केक का बैटर डाल रही हूँ। बस मैंने 1/2 डाला है, मैंने फुल नहीं किया है, 1/2 ही हमें भरना है। उसके बाद इसके अंदर हम लोग रखेंगे चॉकलेट के पीसेस। यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल किया। आप चाहो तो डेरी मिल्क के पीसेस भी तोड़ के इसके अंदर डाल सकते हो। चॉकलेट हमें थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना है तभी वो लावा बनकर बाहर आएगा। अभी मैंने सब में चॉकलेट डाला है। अब बाकी का जो केक का बैटर है मैं डाल रही हूँ। हमें कटोरी फुल नहीं भरनी है, ओनली 3/4 ही भरना है। उसके बाद हम इनको अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई एयर बबल्स हो तो वो निकल जाए। अब ये सारी कटोरियाँ रेडी हैं।
माइक्रोवेव को मैंने पहले ही प्री हीट पर रख दिया था, अभी मैं इसको 180 डिग्री पर 14 मिनट के लिए सेट कर रही हूँ। ये केक बनने में 14 से 15 मिनट का टाइम लगता है। अभी मैंने स्टैंड रख के 3 केक मैं ओवन में रख रही हूँ और बाकी के जो 3 केक है वो मैं आपको गैस के ऊपर बेक करके दिखा देती हूँ। अभी मैंने 14 मिनट के लिए सेट कर दिया है, ये बन रहा है। अब हम देखते हैं गैस पे, रेत काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैंने इसके अंदर डाला है स्टैंड, उसके ऊपर मैंने रखा है एक प्लेट और बाकी की जो 3 हमारे कटोरियाँ थी केक वाली मैंने उनको उसमें रख दिया है। रख के मैं इन्हें भी 14 मिनट तक पकने दे रही हूँ, बट 14 मिनट में ये बन के नहीं रेडी है तो मैं इसे और 5 मिनट तक बेक होने के लिए रख दे रही हूँ। बट ये जो केक है ये 14 मिनट में कम्प्लीटली बन के रेडी है, बट ये हो सकता है आपके माइक्रोवेव ओवन में 15 मिनट भी लग सकता है, 16 मिनट भी, वो डिपेंड करता है। बट इस तरीके से केक फूलना चाहिए और आप देख रहे होंगे ऊपर से थोड़ा सा क्रैक है, मतलब ये केक एकदम बन के रेडी है। अब ये वाले केक भी बन के रेडी है, बट गैस के ऊपर बनने में मेरे को पूरे 20 मिनट का टाइम लगा है। यहाँ पे मुझे 20 मिनट का टाइम लगा क्योंकि मैंने गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखा था। आप गैस का फ्लेम अगर हाई रखोगे तो जल्दी तो बनेगा बट अंदर से जल जाएगा, स्लो रखोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये भी डिपेंड करता है, 20 से 25 मिनट में बनके रेडी हो जाएगा। अब सारे केक बनके रेडी है। अब मैं इसे 3 मिनट के लिए ठंडा होने रख दी हूँ। 3 मिनट बाद मैं इसे अनमोल्ड कर रही हूँ। ये है जिसको मैंने गैस के ऊपर बनाया था, इसको चाकू से मैं किनारे छुड़ा के मैं इसे निकाल रही हूँ। केक को हमें बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, उतना ही ठंडा करना है जितना कि हम लोग हाथ से हैंडल कर सकें। अब मैं इसके ऊपर पीसी हुई शक्कर से डस्ट कर रही हूँ। ये बनके रेडी है। अब मैं आपको माइक्रोवेव ओवन में जो बनाई थी वो दिखा रही हूँ। इसको इस मोल्ड को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट मुझे अनमोल्ड करके काट के आपको दिखाना था इसलिए मैंने इसको ग्रीस किया है। आप देख सकते कितना ज़्यादा सॉफ्ट, स्पंजी और फुला फुला बना है। जब भी हम लोग चोकोलावा केक बनाएंगे उसे तुरंत सर्व करना है, ठंडा होने नहीं देना है। ठंडा हो जाएगा तो उसमें से चॉकलेट लावा बन के नहीं निकलेगा। इनकेस ठंडा हो जाता है तो उसे 10 से 12 सेकेंड के लिए ओवन में या गैस के ऊपर फिर से गर्म करके सर्व करना। अब आप देख सकते चॉकलेट कितना बढ़िया लावा बन के निकल रहा है। मैंने तुरंत ही केक के ऊपर चेरी डाल के गार्निश किया है और सर्व किया है। अब आप भी ये चोकोलावा केक ज़रूर बनाइए और तुरंत ही सर्व करें। ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।